हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी को स्वागत करते हो और एक नया वीडियो में। आज जो आपको लोग मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेंगे जो जो आपको टिप्स बोलने वाला हूँ, शायद आज तक ये टिप्स कोई यूट्यूबर आपको आज तक नहीं बताया। अगर जो जो टिप्स मैं बोलने वाला हूँ अगर सारे टिप्स अगर आपने थंबनेल में लगा दिया तो मैं 100% उम्मीद करता हूँ अपना जो थंबनेल होगा बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, साथ ही साथ अपना व्यूज भी वो डबल हो जाएगा। जो जो टिप्स बोलने वाला हूँ सारे टिप्स को आपको अप्लाई करना है। बस अर्थ क्या करना है, वीडियो का आपको लास्ट तक देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी से अभी एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं सारे टिप्स को क्या क्या होने वाला है। तो टिप्स नंबर वन, अगर आप थंबनेल बनाते हैं, अगर आपको लगता है जो थंबनेल हमको HD में बनाना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहला अपना जो बैकग्राउंड होता है अपना बैकग्राउंड को सबसे ज्यादा ब्लर रखना है। जी दोस्तों, ब्लर रखने का ये मकसद है क्योंकि आप जितना भी यूट्यूबर का देखेंगे उसका थंबनेल वो ज्यादा से ज्यादा उसका बैकग्राउंड ब्लर है। अगर देखा जाए ये 100% लोगों का अंदर वो 90% लोगों का बैकग्राउंड वो ब्लर है। ब्लर इसलिए है क्योंकि ब्लर अगर करते हैं उसका अंदर जो हम लोग वर्ड लिखते हैं ना वो अच्छा तरीके से दिखाई देता है। तो इस आज से लेके आप जो जो थंबनेल बनाएंगे तो आपको ब्लर रखना जरूरी है, नहीं तो आप ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप पिक्सेल लैब से अपना थंबनेल को क्रिएट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर पिक्सेल लैब को यूज करते हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन कर रहा हूँ पिक्सेल लैब को यूज कीजिए। और उस जगह में जो बैकग्राउंड कलर जो ग्रेडियंट आते हैं उस ग्रेडियंट कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप, मेरा रिकमेंडेशन है आप ब्लर को यूज कीजिए, ठीक है। तो चला गया पहला नंबर, चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। जो दूसरा नंबर हम लोग जो थंबनेल बनाते हैं वो कौन सा कलर चूज करना चाहिए, कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है क्योंकि यूट्यूब में जितना लोग आपने थंबनेल को बनाए हैं उसका देखना उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिसके वजह से लोगों को आंखों में लगते हैं वो थंबनेल जाके क्लिक करते हैं। तो आपको भी उसी प्रकार आपको बनाना है अट्रैक्टिव थंबनेल, इसलिए आपको कलर जो ग्रेडियंट करना है ना बहुत ही काफी अच्छा तरीके से करना है। तो कौन सा कलर आपको चूज करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, येलो कलर, येलो, ब्लैक, व्हाइट और रेड, ये चार पांच कलर आपको क्या करना अच्छा तरीका से आपको सीखना है, जो कौन सा कलर को ऊपर कौन सा कलर अच्छा तरीके से मैच कर जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अभी मैं ब्लैक पहन के रखा हूं, ठीक है, वो अब बैकग्राउंड अगर मेरा येलो रहेगा तो ब्लैक अच्छे तरह से खिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने जितना यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे या थंबनेल देखेगा उसका हमने देखना ज्यादा से ज्यादा येलो कलर यूज किया गया, तो इसलिए अपना को जो मैं कलर बोला हूँ सभी लोग इसी कलर को सिलेक्ट करके अपना थंबनेल बनाएंगे। तो 100% उम्मीद करता हूँ अपना थंबनेल एक अच्छा तरीके से बन जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया दूसरा नंबर, तो चलिए अभी तीसरा नंबर के ऊपर। और तीसरा नंबर आपको मैं जो बोलने वाला हूँ, जैसे कि आप थंबनेल बनाते हैं, बहुत सारा यूट्यूबर क्या करता है ना थंबनेल तो बना देता है लेकिन थंबनेल को किस प्रकार से बनाना है उसको पता नहीं चलता है। जब भी आप थंबनेल बनाए, आपको थंबनेल बनाने के समय दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट हैंड साइड, ठीक है। हम जब यूट्यूब में जाता है कोई भी वीडियो पर सर्च करते हैं तो सर्च करते समय क्या होता है ना जो हम लोग थंबनेल को दिखाई देता है लेकिन थंबनेल का राइट साइड में ना उसको जो वीडियो का लेंथ आ जाता है मतलब टाइम स्टैम्प उसका टाइम आ जाता है। जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो 10 मिनट का होगा तो 10 मिनट का होगा ना वीडियो का ऊपर थंबनेल के ऊपर देखा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है आपका ना जो राइट में कुछ भी मत लिखिए, ठीक है, राइट में अगर लिखना है तो एकदम टॉप में लिखिए नहीं तो छोड़ दीजिए, और राइट में नीचे की तरफ लिखेंगे तो इस प्रकार से तो क्या होगा अपना जो टाइम स्टैम्प आ जाएगा उसी प्रकार आपको थंबनेल अच्छे से दिखाई नहीं देगा। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो लाइव प्रूफ क्या है। तो चलिए मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और कोई भी मैं वीडियो को सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि हाउ टू गो लाइव यूट्यूब, ठीक है, मैं इसको सर्च कर लिया हूँ। और सर्च करने के बाद देख सकते हैं जो आपको राइट साइड में देख सकते हैं एक नीचे में वो टाइम आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार टाइम बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि मान लो इसका देखो, ये थंबनेल का, इसके भाई का देखो कुलटीच का, इसका जो टाइम हो गया ना इसका नीचे जो लिखा दिया ना अच्छा तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है,
ठीक है, ऐसे बहुत सारा थंबनेल होगा जिस प्रकार से क्या होगा ना, उसके ऊपर जो लिखा होगा वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं और लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग तो राइट में लिख देता है लेकिन उसको पता नहीं चलता, जिसके पास उसे थंबनेल अगर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहेगा वो पता नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ जिस किस प्रकार से आपको पता चलेगा कहाँ से लिखना है, कौन सा जगह में लिखना है। पिक्सेल लैब को ओपन कर लिया हूँ और पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद इस जगह में आपको देख सकते हैं जैसे कि मेरा ये थंबनेल बनाया हूँ और किस प्रकार से मैं लिखा हूँ आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन इस जगह में एक टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं स्क्वायर का ऑप्शन हुआ है, ये स्क्वायर है बॉक्स बॉक्स करके, इसके ऊपर क्लिक कर देना, जिसको मैं सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद देख देना इसका बहुत सारा चौक आ गया। ठीक है, इस जो बॉक्स आ गया ना, इस बॉक्स का नीचे की तरफ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सर वो राइट साइड में कुछ नहीं नहीं लिखना है, क्योंकि इस जगह में टाइम स्टैम्प आएगा तो इस जगह कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यही आपको मैं बोलने वाला था। तो चलिए अभी चलते हैं जो चौथा टिक्स के ऊपर, जो फोर्थ नंबर टिक्स क्या होने वाला और फोर्थ नंबर टिक्स आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझना है। तो मैंने जो जो पॉइंट बोला हूँ शायद आज तक आपको पता नहीं था, लेकिन मैं और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, तो बशर्ते आपको बस ये रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो जरूर आपको सारी चीज पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ जो आप थंबनेल को कैसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड रेशियो हम लोग जैसे पिक्सेल लैब से कोई भी थंबनेल क्रिएट करता हूँ उसके जब साइज में जाता हूँ, तो साइज में जाने के बाद हम लोग कस्टम में जाके क्लिक करके क्या करते थे, हम लोग यूट्यूब जो थंबनेल होता है उसको क्लिक कर देते हैं। लेकिन आज से अभी वो नहीं करना है, आपको जो रेशियो चूज करना है 1920 मल्टीप्लाई 1080 स्क्रीन में शो हो रहा है, इसी रेशियो को आपको सिलेक्ट करना है। ये रेशियो सिलेक्ट करने का बजाय ये है जो आपका थंबनेल पूरा एचडी में आपको क्रिएट होगा, तो आज से आपको ये रेशियो यूज करना है। ये भी रेशियो सेम है यूट्यूब का वो 16:9। ठीक है, ये रेशियो में बना सकते हैं। चलिए अभी तो हो गया टिक नंबर 5 जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हम लोग फाइल को तैयार करते हैं जैसे थंबनेल क्रिएट हो गया, वो क्रिएट होने के बाद उसे किस प्रकार से कन्वर्ट करें, जिस प्रकार से मेरा थंबनेल एचडी में क्रिएट हो। बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं जो आपको क्या करना है पीएनजी में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जो आपको अल्ट्रा सेम में सेव करना है। लेकिन आज आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो आप तो अल्ट्रा सेम में सेव कर देते हैं लेकिन आपको जो इमेज का फाइल होता है ना उसका साइज वो 2 MB से क्रॉस हो जाता है, जिसके वजह से वो यूट्यूब में सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आपके यूट्यूब का थंबनेल का जो साइज होता है वो 2 MB आपको पता होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पीएनजी में सिलेक्ट करना है। पीएनजी में सिलेक्ट करने का दोस्तों जो फाइल का साइज होगा जो अल्ट्रा या हाई वो आपको कस्टम रखना पड़ेगा, वो कस्टम रखने के बाद आपको पूरा तरीके से पता चल जाएगा, वो आप स्क्रीन में प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जाता है टिक्स नंबर 6 कर, जो काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होने वाला है। जिनको लगते हैं जो हमको थंबनेल बनाना नहीं आता, जो जो नया यूट्यूबर है शायद लग जाए कैसे थंबनेल बनाए, किस प्रकार से बनाए जो मेरा थंबनेल का ऊपर क्लिक थ्रू रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ये तो गलत तरीका है। लेकिन अगर आपको बोलना चाहते हो, किसी को बोलता ना किसे कॉपी करना गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर बोलना चाहते हो, अगर आपका अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आपका अंदर कुछ पता नहीं थंबनेल किस प्रकार से बनाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो का टाइटल आपको क्या करना है यूट्यूब में सर्च कर लेना है। वो सर्च करने के बाद उसी का ऊपर अपना बहुत सारा क्या वीडियो आ जाएगा, और वीडियो आने के बाद आपको जो अट्रैक्टिव लगे, आपको लगते हैं जो ये थंबनेल में बना सकता हूँ उसी प्रकार आपको थंबनेल क्रिएट करना है। लेकिन ऐसा नहीं जो हुआ कॉपी कर देना, उसी प्रकार थोड़ा सा थंबनेल को आपको क्रिएट कर लेना, तो देखना आपको थंबनेल और भी अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो चलिए टिक्स नंबर 7 जो काफी इंटरेस्टिंग और सबसे फायदामंद होने वाला है, ये शायद आज तक आपको कोई नहीं बताया। तो क्या करना है, आप जब भी कोई थंबनेल बनाते हैं आपको मन में डाउट होता है जब मैं तो थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ तो एक थंबनेल क्या देखने के अच्छा लग रहा है, आपको तो लगता है जो थंबनेल अच्छा लग रहा है शायद दूसरे का अच्छा लगेगा, आपको मन में ऐसे खुट आता है, आपको मन में तरह तरह का सवाल चलता है जो मैं थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ एक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज सबसे ज्यादा आपको आसान टिक्स आपको देने वाला हूँ जो टिक्स आज तक आपको कोई नहीं बताया। आपको क्या करना, आप जो भी थंबनेल क्रिएट कर लिया उसे कन्वर्ट कर लिया पीएनजी में, और कन्वर्ट करने के बाद सेव भी कर लिया, वो सेव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना क्या करना जो यूट्यूब स्टूडियो है ना, यूट्यूब स्टूडियो या वॉइस स्टूडियो में जाना है। वॉइस स्टूडियो जाने के बाद अपना कोई भी एक वीडियो को, ऐसा एक वीडियो है जिसको आप पब्लिक नहीं किया, ऐसे वीडियो आप रख दिया प्राइवेट या अनलिस्टेड में रख दिया, वो क्या करना उस वीडियो का जो थंबनेल ना उस थंबनेल को चेंज करना। कैसे चेंज करना, चेंज करने के बाद अपना अभी जो थंबनेल क्रिएट किए हैं वो थंबनेल क्या करना अपना मोबाइल फोन में लगा देना,
मतलब आपको जो वीडियो का जो थंबनेल है उसको चेंज करके वो थंबनेल अभी का जो क्रिएट किया उसको लगा देना। वो लगाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, और आपको क्या करना है उस टाइम आपको ब्राइटनेस ऑटो ब्राइटनेस रखना है फोन का। उसमें क्या होगा ना, आपको थंबनेल छोटा छोटा दिखाई देता है, और छोटा छोटा दिखाई देने से क्या होता है ना, आपका पूरा तरीका से उस जगह क्लियर, अगर आपको वर्ड क्लियर आ रहा है उस जगह से दिखाई दे रहा है, तो मतलब आप सोच लीजिए आपका थंबनेल अच्छा तरीके से हो गया। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये सारे चीज अगर आप अप्लाई करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थंबनेल बहुत ही अट्रेक्टिव होने वाला है, और बहुत ही काफी हद तक अपना थंबनेल एचडी में बनेगा। और साथ ही सारे टिक्स आप अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपको व्यूज ज्यादा एंड डबल आ गया। और लास्ट टिक्स जो टिक्स नंबर 8 आपको बोलना चाहिए, तो जैसे आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन रहते हैं जो प्रोजेक्ट सेव, प्रोजेक्ट सेव में क्लिक करना है, क्लिक करके उसके भी सेव कर लेना है। क्योंकि जैसे आपका थंबनेल मान लो थोड़ा सा गलत हो गया या काफी उसको बदलना है, तो क्या कर सकते उसका बाद में एडिट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मान लो उसको आप कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते हैं, उस जगह में स्क्वायर कर रहते हैं, तो स्क्वायर भी कर सकते हो, थोड़ा सा एडिट करके कम्युनिटी पोस्ट में टैप कर सकते हैं। शायद आज तक ये सारी चीज आपको पता नहीं था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद होगा, और पसंद हुआ तो आप जैसे अभी एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लिए लेके आता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू और जय हिंद।